खट्टू वाले श्याम जी कमाल हो गया, खट्टू वाले श्याम जी कमाल हो गया, वो बंदा तेरा बाबा मलामाल हो गया, वो बंदा तेरा बाबा मलामाल हो गया। जब चढ़ गई क्या बात है, चढ़ गई खुमारी तेरे नाम की, को तो ठंड लग रही थी वो घर में बैठा है, प्रेमी को भूख लग रही थी भोजन करके घर चला गया, लेकिन जो आशिक है वो अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। आज तो आशिक आए हुए हैं, जो आए तो अकेले हैं मगर अकेले जाएंगे नहीं, बाबा को लेके कौन कौन जाएगा, मिलकर गाओ। खट्टू वाले श्याम जी कमाल हो करता है ना चुगली करता है, बाबा का प्रेमी बस बाबा की बात करता है। जिसके दिल में गाली होगी वो गाली देगा, जिसके दिल में प्रेम होगा वो प्रेम देगा, जिसके दिल में शाम होगा वो शाम दे जाएगा आपको। खाटू जाने के कौन कौन खाटू जाने को तैयार है? अच्छा मुझे पक्का भरोसा है ये जितने भी आगे बैठे हैं, पीछे वालों ये मत समझना आगे वाले वीआईपी है तो आगे बैठे हैं, ये ज्यादा पागल है इसलिए बैरिकेड में बिठाने पड़ते हैं। ओ खाटू जाने के लिए तैयार रहता है, खाटू जाने के लिए तैयार रहता है, ओ दिन में सौ सौ बार जय श्री श्याम कहता है, दिन में सौ सौ बार जय श्री श्याम कहता है, प्रेमियों से सांवरे की बातें करता है, प्रेमियों से सांवरे की बातें करता है, ओ खाटू जाने के लिए तैयार करता है। कितना किलोमीटर है खाटू? 500 नहीं है, 483 गिना करो, 17 किलोमीटर रिंगस के ना गिना करो। ओ किलोमीटर की गिनती वो करता नहीं, किलोमीटर की गिनती वो करता नहीं, तूफानियों से बाबा वो डरता नहीं, तूफानियों से बाबा वो डरता, क्यों नहीं डरता? कोई डरता है क्या तूफानियों से बाबा के का? जब बाबा बैठा है तो जब नैया, जब नैया चलाए खुद श्याम जी, परवाह नहीं संसार की, जब नैया चलाए खुद श्याम जी, परवाह नहीं संसार की। ओ खाटू वाले श्याम, क्या कह? कान में कुछ बोलना है। आपको कुछ बोलना है बोलो, कान में ले भाई बोल दे। पुनीत रुक जाए यार, कुछ कहना है सुनी रहा मुझे, बोल दे बेटा बोल दे। आया
कह रहा है पापा कहाँ इसके, ये पूछ रहा है मैं मम्मा के पास जाऊं क्या। इसकी बात सुना करो, ऐसी बातें कान में बोलता है, थोड़ा ध्यान रखा करो। मुस्कुराइए आप लुधियाना में। जब नैया चलाए खुद श्याम जी परवा चढ़ेगी चढ़ेगी कुमार तेरे नाम की परवाह नहीं संसार की। जब चढ़ेगी कुमार तेरे नाम की परवाह नहीं। श्याम बाबा ये खाटू आने को तैयार है, लेकिन इनको साधन देने की जिम्मेवारी आपकी है। जो भी दरबार में आया है, अगर गाड़ी नहीं है तो गाड़ी देना, ताकि अगली बार जब यहाँ कीर्तन हो तो ये लिफ्ट मांग के खाटू ना जाए, लिफ्ट दे के खाटू जाया करे। दोनों हाथ उठा के ये बात, एक दाम तीन चार। किसने दिया ये? मम्मी ने। मम्मी को कहना कि मम्मा सर्दी है ना, आपने गर्म कपड़ा पहना है, लेकिन वो मंदिर है ना, उसके आगे कोई बच्चा बैठा होगा जिसके पास गर्म कपड़ा नहीं होगा, इसका गर्म कपड़ा उसको ला के देना, ठीक है? करेंगे भाई सब तसल्ली से करेंगे, ऐसे नहीं, तसल्ली से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेना फर्ज नहीं है, देना फर्ज है। इसको लेकर मुझे, मैंने लोगों तक ये बात पहुंचानी है, लेकिन थोड़ा सा मैं भी इस लायक हो जाऊं। तंदूर में रोटी तभी सिक पाती है जब कोयला पूरा लाल हो जाता है, उससे पहले तो आटा डालोगे तो आग में चला जाएगा, इसलिए पूरा पहले लाल होने दो, धीरे धीरे लम्हा लम्हा सरूर बरसेगा, बाबा की आंखों से नूर बरसेगा। जो नहीं आया वो घर में बैठा तरसेगा, लेकिन जो आया है उस पर बाबा की नजर की कृपा जरूर बरसेगी। दोनों हाथ उठाना जरा ताली बजा के, ये बात बातें तोरण द्वार की दिन रात करता है, शुरुआत तेरे साथ करता है, वो कहता बाबा शाम मेरे साथ चलता है। अच्छा ये लाइनें आप गाओ, कहता बाबा शाम मेरे साथ चलता है, कहता बाबा शाम मेरे साथ चलता है। इसका मतलब समझे, लॉटरी खरीदी और निकली नहीं, लेकिन फोन कर दिया, भाई आज मुझे लग रहा है मेरी लॉटरी निकल जाएगी। जिसको कहोगे ना कि लग रहा लॉटरी निकल जाएगी, आपको वो साल में एक फोन करता हो, लेकिन वो उस दिन हजार फोन करेगा, निकली निकल गई, सच्ची दस बीर निकली नहीं निकली। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि आपकी लॉटरी निकल जाए, वो ये देखना चाहता है कि आप कब से उस लॉटरी के लायक हो गए। उनको जवाब देना कि सिर्फ तू लायक नहीं, मुझको लगता बाबा मेरे साथ चलता है। दोनों हाथ उठा के ताली बजाना और ताली बजा के गाना, मुझको लगता बाबा मेरे साथ चलता है, ओ इतर लगाकर
लड्डू वाले श्याम जी कमाल हो गया, बंदा तेरा बाबा मलामाल हो गया, जब चढ़ेगी लक्ष्मी जी हैं, इनके पास भी बहुत है लक्ष्मी, सिर्फ नाम की बात नहीं है लेकिन बाबा के सेवादार हैं। मैंने इनके चरण पता क्यों छुए, क्योंकि फागुन के मेले में बाकी लोग भक्तों का पेट भरते हैं भोजन से, लेकिन ये आदमी अपनी पूरी समिति के साथ पैदल चलने वालों के पांव धोता है। धन की कोई कमी नहीं, किसी चीज की कोई कमी नहीं, मगर ये भक्तों के पांव दबाते दबाते ये एहसास कर लेते हैं कि शीश के दानी के पांव दबा रहा हूं, मेरे बाबा के किसी ने हाथ नहीं देखे, मेरे बाबा के किसी ने पांव नहीं देखे, मगर लुधियाना की ये समिति है जिसने भक्तों के पांव में ही बाबा के पांव देख लिए। जरा ताली बजाना एक बार इस समिति के लिए। मैं इतनी जगह जाता हूं लेकिन ये जगह मेरे लिए स्पेशल है, क्यों? जब भी तेरे दर पे सर को मैं झुकाता हूं, सर पे दीना नान तेरा हाथ पाता हूं, कोई बिल लालच के कोई काम ना करे, कम कर दो कम कीबोर्ड यहां कम कर दो, कोई बिल लालच के कोई काम ना करे, ओ झोली भरने बाबा मैं सरे आम आता हूं, झोली भरने में बाबा शाम देर ना करे, झोली भरने में बाबा शाम देर ना करे। आप अगर पहली बार आए हो तो मेरी बात को याद रखना, आप खाली नहीं जा सकते। अगर पहली बार जो बाबा के कीर्तन में आया है या पहली बार जो बाबा का दर्शन कर रहा है, मेरा वादा है, हे श्याम बाबा, मैं तो आपसे कल फिर मांग लूंगा, लेकिन जो पहली बार आया है अगर मुझे देना चाहते हो तो मेरी जगह उसको देना, ताकि उसका भरोसा बढ़ जाए आपके दरबार में। दोनों हाथ उठाकर गाना, मुझको लगता बाबा मेरे साथ चलता है, मुझको लगता बाबा मेरे साथ चलता है, और जब भी तेरे दर पे सर को मैं झुकाता हूँ, सर पे दीना नाथ तेरा हाथ पाता हूँ, सर पे दीना नाथ तेरा हाथ पाता हूँ, अरे कोई बिल लालच के कोई काम ना करे, कोई बिन लालच के कोई नहीं आता बिना लालच के यहां, और अमीरी पैसे से नहीं होती। लुधियाना की फोकल पॉइंट की लाइट पे खड़े हो आप, चाहे मोटरसाइकिल पे खड़े हो, बगल वाली मर्सिडीज को देख के ये मत सोच लेना वो सुखी होगा। हो सकता है आप चार रोटी खा के सोते हो, वो चार गोली खा के सोता है। अपनी अमीरी को पैसे से मत आंकना, अरे आप तो वो अमीर हैं जिनके लिए खाटू वाला खाटू से चल कर लुधियाना भी आ गया। कोई बिल लालच के कोई काम ना करे, झोली भरने बाबा मैं सरे आम आता हूँ, झोली भरने बाबा मैं सरे आम आता हूँ, श्याम बाबा के जैसा कोई दानी नहीं, श्याम बाबा के जैसा कोई दानी नहीं। श्याम बाबा मेरी माँ यहाँ पे खड़ी है। कौन नहीं मिल रहा संदीप, और कौन नहीं मिल रहा, बालक भी नहीं मिल रहा, किसको बुलाऊं बताओ? रे संदीप, तेरी माँ उरे बैठ कर रही,
आजा, ठीक है। जब संदीप आए ना, एक लाइन और बोल दो, जैसे संदीप को पुकारा ना, कहना ओ श्याम बाबा मैं भी तेरा वेट कर रही हूँ। कौन कौन वेट कर रहा है बाबा की, जरा ताली बजा के।